हस हाशिम फरमाते हैं मैं गया हुआ था सफर पे, तो रास्ते में भूख लगी, दोपहर का वक्त था, एक खातून नजर आई खेमे पर बैठी, उनका बहन परदेसी हूँ खाना मिल जाएगा। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। उन्हें जल्दी से उठ के बकरी का बच्चा ज़बह किया, उसको तैयार करके पका के सामने रखा, तो ऊपर से उसका खामिंद आ गया। कहने लगा ए कौन हो? कहा जी परदेसी मुसाफिर। ए बकरा कितों आया? कहा जी ये इस खातून ने मुझे पका के दिया है। तो उस पर बरस पड़ा, तो मेरा घर लुटा देगी मेहमानों को खिला खिला के, तुझे शर्म नहीं आती मेरे पूछे बगैर ये करती वो करती? बहुत डांटा। ये चुप करके बेचारे शर्मिंदा होके खाते रहे, उठ के चल दिए। अगली मंजिल पर फिर एक खैमा नजर पड़ा, वहां देखा तो एक खातून बैठी हुई का बहन परदेसी मुसाफिर खाना मिलेगा। वो कहने की मैं कोई होटल खोले चल पर जा बो। बेचारे चुप होके बैठ गए। थोड़ी देर में उसका खामिंद आया, कहने लगा भाई आप कौन हैं? काजी परदेसी मुसाफिर। आपने खाना खाया है? काजी नहीं खाया। इससे मांगा था? काजी। इसने क्या कहा? उसने कहा जी होटल कोई नहीं। तो वैसे इजाफा कर रहा हूँ। तो उन्हें कहा तू बड़ी जालिम है, हमेशा मुझे मेहमानों के आगे जलील करती है, हमेशा जलील करती है। कहा बैठो भाई मैं आपका इंतजाम करता हूँ। उसने जल्दी से बकरा काटा और तैयार करके सामने रखा, तो ये जोर से हंसा, ये हासिम रहमतुल्लाह जोर से हंस पड़े। वो कहने लगे आप हंसे क्यों? मैं वो कहने लगे पीछे ना तेरे जैसी औरत देखी थी और इस जैसा वहां मर्द देखा था। कहने लगे तुझे पता है वो कौन है? कहा जी नहीं। कहा ये उसकी बहन है और वो मेरी बहन है, वो जो सखी औरत थी वो मेरी बहन है, ये बखील नाम मुराद उस बखील की बहन है। अल्लाह को सखी पसंद है, बखील नहीं। चाहे वो अल्लामा हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे वो मुबल्लिग हो, चाहे मुजाहिद हो, चाहे तहज्जुद गुजार हो, चाहे रोज़ेदार हो, चाहे शब बेदार हो, वो अल्लाह का पसंदीदा नहीं है अगर वो बखील है। मेरे रब ने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम बखील आदमी जन्नतुल फिरदौस में नहीं जा सकता। ज़कात दो, सदका फितर दो, मुफ्तियों से पूछो, किशमिश के लिहाज से दो जो सबसे आला दर्जे का बनता है, या खजूर के लिहाज से दो जो से ज़रा कम है, और एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से दरगुजर करो, मोहब्बतों को परवान चढ़ाओ।